ये जो बच्चा है ना, ये अभी अंडे के अंदर ही था, ठीक है। तो भाई इसको अपने हाथ से निकाल रहे हैं, ये देखें ज़रा ब्लैक ड्रैगन्स को। एक पहाड़ के बच्चे छुप के ना अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। इस पहाड़ को अभी तक नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है। और वो जो ओरियो और बेला है ना, वो भी अपने घर से निकल के आज बाहर आए हुए हैं। बड़ी बात है, आज बेला देख के मुझे भाग नहीं रही। ये तो ओरियो है सच। ओरियो को पकड़ो, ओरियो को पकड़ो, ओरियो को पकड़ो, ओरियो को पकड़ो, ओरियो को पकड़ो। ओरियो भाग गया अंदर फौरन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों अभी जो है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन्स को मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है ना, तो इनको मैं क्या करता हूँ, ये चावल पड़े हैं, ये ना कुछ चावल पड़े हैं, मैंने इनको चावल डाल देता हूँ। आ जाओ, इधर ही डाल देता हूँ चावल। ये सब ब्लैक ड्रैगन्स निकल के आ गए हैं, ठीक है। और वहाँ से मैं ऐसा करता हूँ मिनी स्क्वाड को भी खोल देता हूँ, ताकि ये भी दाना वगैरह खा लेना अपना। चलो आ जाओ आप भी बाहर, लेकिन अंदर नहीं जाना आपने। अंदर जाओगे तो आप सारे चावल ख़राब कर दोगे। ये लो, ये और भी चावल डाल देता हूँ। ये लो, इधर भी रख। ये लो, पानी भी चेंज करने वाला है। मैं ना ज़रा पानी चेंज कर देता हूँ। ओहो, ये क्या, मुझे लगा मेरे ऊपर हमला ही होने लगा है। हसीब ये पानी चेंज कर यार, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। वो देख, वो उनको प्यास लगी हुई है, वही वाला पानी पी रही हैं। चेंज कर दे। और आज थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है ना, तो आज इसका काम भी शुरू कर ही दें यार। हमारे तोतों का दाना जो है वो भी चेंज करने वाला है, इस जगह पे भी चेंज करने वाला है। तो यार दाना इनका थोड़ा सा ख़त्म हुआ हुआ है, दाना मैं ना लेके आता हूँ शॉप से जाके। और दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा किस्म का सरप्राइज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था ना कि हमने ब्लैक ड्रैगन के जो हैं वो अंडे रखवाए हुए हैं, और आज उसकी डेट हो गई है निकलने की। तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ कब उसकी कॉल आती है, और हम जाके ना ये हमारे ब्लैक ड्रैगन्स प्यारे प्यारे इनके बच्चे लेके आते हैं जाके शॉप से, ठीक है। तो बस मैं तो बहुत ज़्यादा बेताब हुआ हूँ कि जल्दी से जो है ना उसका फ़ोन आ जाए। तो उसके साथ ही फिर हम इनका तोतों का दाना भी ले आएंगे, ठीक है, और फिर उन चीज़ों की फीड भी ले आएंगे। यार अभी ना मुझे दोस्त का फ़ोन आया है, उसको ना शॉप से फ़ोन आया था जहाँ पर हमने ब्लैक ड्रैगन्स के बच्चे रखवाए हुए थे। तो अब उन्होंने फ़ोन करके बताया कि यार ब्लैक ड्रैगन्स के आपके जो बच्चे हैं ना वो निकल आए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने नहाना था, असल में मैं नहाने ही लगा था, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। मैंने मोटर चलाई है, उसमें लग जाएगा टाइम। तो मैंने सर से हो रही है फिलहाल, और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास, दोस्त के पास जाके उसको पिक करता हूँ। और अब हम जा रहे हैं उनके बच्चे लेने। यस, टिपू किधर गया? टिपू, टिपू आपको पता है आपके दोस्त आ रहे हैं इतने ज़्यादा? टिपू आप यार एक्साइटेड ही नहीं हो। टिपू तो दोस्त एक्साइटेड ही नहीं है, वो आप देख के एक्साइटेड होगा एक साथ ही। दोस्तों मेरा दोस्त आ गया, ठीक है, और अब हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बच्चे लेने आदिल के। यार मेरे नहीं है, ब्लैक ड्रैगन्स के बच्चे हैं, ये मजाक कर रहा। तो चलते हैं यार। भाईजान हम शॉप के ऊपर पहुंच गए हैं, ये शॉप है जी, और आप देखते हैं जाके कितने बच्चे निकले हैं। रश तो काफ़ी ज़्यादा शॉप के अंदर। भाईजान मशीन के अंदर मेरे चूज़े पड़े हैं, मुझे तो यही लग रहा है। वैसे तो ब्रूडर के अंदर रख देते हैं वो, लेकिन अभी मशीन के अंदर ही हैं। देखते हैं, निकालते हैं आके भाईजान। और रश बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ये चेक करें। ये बहुत छोटे हैं ये सारे मेरे। ये जो बच्चा है ना, ये अभी अंडे के अंदर ही था, ठीक है। तो भाई इसको अपने हाथ से निकाल रहे हैं, तो अब देखो इसका क्या सीन बनता है। वो ये तो इस तरह का बनता है यार, ये ठीक हो जाएगा अभी? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्सेलेंट यार, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चे निकले हैं यार। मैंने सोचा तो नहीं था कि इतने ज़्यादा निकलेंगे। ये निकाल ले भाई। बाकी सारे माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये थोड़े ये अगर हम बाद में ले जाए आपसे घट मार दी है। इनको भी हीट चाहिए थोड़ी सा ना। ये भाई अभी डब्बे को टेपिंग वगैरह कर रहे हैं।
भाई ने कहा कि ना इन चूजों की फ्लैटिंग करनी है मीठे पानी से और उसके बाद 4 घंटे बाद जाके इनको फीड लेनी है, ठीक है। तो अभी मैं नीचे फीड लेने आया हूँ, ये भाई से मैं फीड लेता हूँ। यार इनके भाई कह रहे हैं 14 PS वाली फीड दे देना, सो वो की दे दो। हाँ ठीक है। जो है ना ब्लैक ड्रैगन्स के बच्चे ले आया हूँ और यहाँ पे रखे हैं फिलहाल। अब ना इनके लिए बड़ा डब्बा लेके आना है, बड़े डब्बे के अंदर जो है ना इनको डालूंगा और साथ बल्ब लगाना है। वैसे तो मौसम गर्म है लेकिन उन्होंने कहा था बल्ब ज़रूर लगाना है। देखो कितने कितने प्यारे हैं और छोटे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें दोस्तों, हमारा ये बल्ब भी ऑन हो गया है और बच्चे माशाल्लाह बल्ब को देख के जो है ना एक्टिव हो गए हैं थोड़े से। अभी इनको हमने जो है ना मीठा पानी पिलाया उनकी फ्लशिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद इनको 4 घंटे बाद हम दाना देंगे। हसीब याद है ना, अगर मैं बाहर में चला गया तो इनको 4 घंटे बाद कूट के देना दाना, ठीक है। 4 घंटे वापिस। वो देखो वो बहुत ही छोटा है, वो साइड पर जाके बैठा हुआ है। ये दोस्तों कबूतरों का दाना भी यही हम ले आए हैं, उसका ब्रूडर बना दिया है चूज़ों का। अब जो नेक्स्ट काम है ना, इनको दाना चेंज करना है। और हसीब शावर किधर है? शावर अभी लाया था मैं। वो पड़ा शावर, वो शावर भी ले आओ। अब ना इनको तोतों को ना शावर भी देते हैं ताकि थोड़े से फ्रेश हो जाएं। ये देखें दाना डालेंगे नहीं, पहले दाना डाल देते हैं ना, बल्कि हाँ ठीक है पहले शावर दे देते हैं उसके बाद इनका दाना चेंज कर देते हैं। ये पर्दा उठा दो ज़रा जी। हसीब शावर दे रहा है तोतों को और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं शावर लेके ना, ये चेक करें कितने खुश हो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। हाँ अच्छे तरीके से इनको शावर दो ताकि ठंडे हों थोड़े से। ये हमारे पास 2 रेड्स भी हैं। हाँ हाँ मुख्तलिफ हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता और भी लेके आएंगे बहुत प्यारे प्यारे वाइट रेड डाइस वगैरह, दूसरे कॉकटेल लाएंगे उसके बाद। अभी दोस्तों मैंने सोचा है कि ये नीचे वाला केज है ना, इसके अंदर या हम लेके आएंगे ग्रीन पैरट्स और एक में ग्रीन पैरट्स रखेंगे एक में कॉकटेल रखेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करके केज को। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेनोवेशन होने वाली है, वो आहिस्ता आहिस्ता सब रेनोवेशन करेंगे और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, प्रॉपर बड़ा मज़े का मेन्यू बनाएंगे देखना। रोटी जो है भिगो के रखी हुई थी, अब इनको रोटी डालने लगे हैं। अब ये देखें किस तरह, और रोटी के पीछे तो बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं। मिनी स्क्वाड को भी अभी इस तरफ करके डाल दें। मिनी स्क्वाड आ गया, अबू को भी नाम याद हो गया मिनी स्क्वाड का। अंदर ना डालें, अंदर ना डालें, इसी तरफ डाल दें बस। हाँ इधर करके डाल दें, इतना थोड़ा डाला उनको। चलें कोई नहीं, वो जो बचेगा वो इधर से खा लेंगे। तो यार सोचो गर्मी जैसे कि बहुत ज़्यादा है और हम भी बड़े मुश्किल से गर्मी में खड़े होकर इनको नहला रहे हैं। जानवरों की भी केयर अगर आपने रखे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि जानवर हैं बेजुबान हैं, अगर इनकी केयर नहीं करेंगे तो फिर बोल तो सकते नहीं हैं, फिर बदवा देंगे, ठीक है। तो अभी इनको ठंडा करने के लिए जो है ना हम गर्मी में खड़े होकर धूप में नहला रहे हैं इसको। ये देखें दोस्तों, ये हमने अपना बड़ा वाला मुर्गा भी नहला दिया है माशाल्लाह से, बहुत मुश्किल ही पकड़ा है और इसको अच्छे तरीके से नहला दिया है। ये कील भी इसके काटने थे लेकिन अभी तक काटे ही नहीं है। चलो सीप छोड़ दे यार इसको। फाइनली सब मुर्गियों को, छोटे चूज़ों को, मिनी स्क्वाड को भी नहला दिया है, तोतों को भी नहला दिया है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गर्मी पड़ती रहेगी इनको मज़ीद नहलाते रहेंगे हम। टीपू बेटा एक बात सुन लो, मैंने सब पेट्स को नहला दिया है, अब अगली बारी है आपकी, तो तैयार रहो, ठीक है। इधर उधर भागने की कोशिश ना करना बिल्कुल भी, अगर भागे तो उसकी सज़ा मिलेगी आपको, ओके। अब जो है दोस्तों फाइनली शाम का टाइम हो गया है और मेरे जो ब्लैक ड्रैगन्स है ना वो ये देखें अपने घर के अंदर चले गए हैं, और लेकिन जो मिनी स्क्वाड है ना वो खाना खाने से नहीं थक रहा अभी, इनको बस मैं बंद करने लगा हूँ अब। और ये मेरे दोस्त आए हैं छत पे मेरे पेट्स को विज़िट करने, सलमान है ये फ़ियाज़ है जिसके साथ मैं अभी बच्चे लेने गया था जो कह रहा था कि मेरे बच्चे हैं, हालांकि ब्लैक ड्रैगन उसके बच्चे थे। ये पैरट्स का बहुत ज़्यादा शौकीन है और उसको देख रहे खड़ा होकर। तो फिलहाल यार अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन। अल्लाह हाफ़िज़।